हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मास्टर शक्ति। मेरी वीडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पर एक हटकर वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि है दोस्तों एक अनबॉक्सिंग। ये बोया का माइक है जो जिसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। दोस्तों बहुत सारी कमेंट्स आई थी मेरे पास कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आती है, तो इसीलिए दोस्तों मैंने ये बोया का माइक परचेज़ किया है सिर्फ आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं। अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसे ही और वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों इसकी प्राइस कुछ 900 रुपये है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बाकी की बात करते हैं अनबॉक्सिंग में। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अमेजन से एक प्रोडक्ट मंगाया है जिसमें बोया का माइक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए, इसके मैं फोर कॉर्नर आपको दिखा देता हूं। तो इसकी ब्रांडिंग जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि amazon.in से मैंने ये मंगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बिल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 3 बिल इसके अंदर आते हैं। तो जैसे कि मैंने पहला बिल तो मैंने आपको ये दिखा दिया, मैं 2 बिल ये देखूंगा इसके अंदर है या नहीं है, इससे ये भी पता लगेगा ये रियल है या नहीं है। ओके, तो ये देखिए मैंने बिल दिखा दिया आपको। मैं इसको ओपन करता हूं अब। तो जैसे कि मैं इसमें ओपन करता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 बिल होंगे, तो देखिए आप देख सकते हैं इसमें सेकंड बिल ये गया और इसकी इस पर प्राइसिंग इस पर लिखी हुई है आपकी 899। यानी हाँ जी दोस्तों, ओनली 899 रुपीज का है। इस पर भी लॉकडाउन के चलते हुए ऑफर चल रहा था। वैसे इसका जो प्राइस है, रियल प्राइस 1500 से 2000 के बीच में आता है। इस क्वालिटी में माइक बहुत अच्छा मिलता है इससे। तो मैं इसके अंदर एक बॉक्स भी निकला हुआ है, देखिए मैं आपको दिखा सकता हूं। ये है VYM1, यानी बोया का माइक M1। इसकी जो ब्रांडिंग है वो इसका ये है। तो जैसे कि और एक इसमें निकली हुई है कि ये मैनुअल गाइड। इस मैनुअल गाइड में ये सारी चीजें बताएगा कि आप कैसे कैसे इसको कर सकते हैं यूज। ओके, और एक कूपन टाइप का कुछ निकला है कि जब आपका कोई वारंटी कार्ड है, ये देखिए वारंटी कार्ड, जब आप इसको मतलब कोई खराब हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो इस वारंटी कार्ड को फिल करके आप इसके कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अब इसको ओपन करने की कोशिश करता हूं। देखिए मैं खोलने जा रहा हूं इसको। तो जैसे कि मैंने जैसे इसको ओपन किया, आप देख सकते हैं इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा शानदार और यूनिक लेदर का बैग निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। जिसको ब्रांडिंग भी आप देख सकते हैं, देखिए मैं ब्रांडिंग दिखा रहा हूँ, बोया की ब्रांडिंग, यानी बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा बैग है। तो इसको भी मैं ओपन कर लेता हूं इसके अंदर, आप देखते हैं हम क्या निकलता है। तो दोस्तों जैसे कि इसके अंदर एक ये माइक से रिलेटेड कुछ डिवाइस निकली हुई है, इसको कहते हैं हम एक जैक है, यानी ये 3.5 mm का इसके अंदर हम कोई भी ईयरफोन या फिर माइक का ये लगाएंगे जैक। और ये एम्पलीफायर सब बूफर्स है, बूफर्स में रिकॉर्डिंग करने के लिए होता है। जैसे होता है ना कि बड़े बड़े जो माइक बोलते हैं बड़े बड़े स्पीकरों पर, तो दोस्तों उन माइक से कहिए अलविदा, और ये छोटा सा माइक अब आपके लिए काम करेगा, ये देखिए आप। ठीक है, मैं सेकंड इसमें से निकालता हूं, अब क्या निकलता है। तो देखिए ये देखिए, इसमें से एक जो माइक मैंने आपको बताया था बोया का माइक, देखिए तो इसमें से ये बोया का माइक। इसकी जो लेंथ मैं आपको दोस्तों बता दूं, इसकी जो लेंथ 20 फीट की लेंथ है। 20 फीट का मतलब आप समझते होंगे कि बहुत ही ज्यादा लंबा है। आप अगर एक कॉर्नर पर, घर के एक कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, तो दूसरे कॉर्नर तक ये आपको आराम से बैठ के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस पे भी ये ब्रांडिंग हो रही है, देखिए आप इसकी बोया, यानी ये एक ओरिजिनल बोया है, इसलिए ये इसका एक यहां पर सेल भी पड़ते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये रिचार्जेबल होता है। ओके, देन ये मैं आपको दिखाऊंगा यहां से रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग पॉइंट है, यहां से मैं अपना माउस से रिकॉर्डिंग होगी। और इसके अंदर एक और चीज आती है इसके ऊपर लगाने की, रबर, वो मैं जरा देख लेता हूं इसके अंदर है या नहीं है। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए रबर, इस रबर को जब मैं इस पर लगाऊंगा, देखिए तो मतलब इसकी क्वालिटी अब आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल माइक, मतलब कोई 899 में ऐसा माइक इतना अच्छा, जैसे कि आते हैं कि 15,000 2,000 के ऐसे माइक आते हैं, उससे भी ज्यादा कंफर्टेबल ये माइक देखिए अब लग रहा है आपको। ठीक है, तो मैं शुरू कर देता हूं इसको। इसकी वायरिंग की अगर मैं बात करूं, तो देखिए 20 फीट की, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 20 फीट की इसकी वायरिंग है बोया का, ये है। तो दोस्तों यही इसकी ब्रांडिंग है, बहुत ही अच्छा और यूनिक ये निकाला गया है। आपके सामने मैंने सारी चीजें रख दी हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि आपको अगर खरीदना, तो मेरे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाइए और जल्दी करिए, बहुत ही कम स्टॉक में मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें।